प्रणाम निरुमा। बोलिए। ये गुलाम प्रेम रोग के बारे में कुछ पूछना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है। हाँ करो करो। इन्होंने जो बताया उसके विपरीत में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो प्रेम है और मोह है उसके बीच का भेद समझ में नहीं आता है। हमारे श्रीमती जी कहते हैं कि मैं बच्चों की तरफ काफ़ी अटैचमेंट और मोह रखता हूँ और उसके कारण बच्चे बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस दोनों के बीच में, प्रेम और मोह के बीच में क्या भेद है और कैसे टैकल करें। आई है आपकी श्रीमती जी? जी हाँ शायद। कहाँ बिराजी है? नहीं है। ऐसा है, वो भी रहती थी तो अच्छा था, लेकिन ऐसा है मोह और प्रेम दोनों के बीच में बहुत फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है जी। प्रेम शुद्ध प्रेम होता है, वह टचिंग होता है। प्रेम कभी रिएक्शनरी नहीं होता है जी। मोह हमेशा रिएक्शनरी होता है। जिसके प्रति आपको मोह होता है ना, वहाँ आपको अपेक्षाएं शुरू हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस जी। और वह एक्सपेक्टेशंस आपके वह पूरा कर ना पाए जाने अनजाने में जी, तो उसका बहुत भारी रिएक्शन आता है आपको, और रिएक्शन में आपको उतना ही द्वेष होता है उसी व्यक्ति के प्रति। सब बच्चों के बारे में है तो अभी आपको बच्चे पर प्रति मोह आता है, लेकिन बहुत उल्टा कुछ करके आए तो उतना ही उन पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, द्वेष आता है जी। उतनी लिमिट तो उन्होंने नहीं अभी क्योंकि छोटे होंगे जी। बड़े होने के बाद अगर कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा कर दिया तो आपको बहुत मुंह भी देखने का नहीं पसंद आएगा, यहाँ तक की रिएक्शन आ सकती है। ओके। अगर बहुत डीप मोह रहा तो उतना ही डीप रिएक्शन आएगा और आएगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। प्रेम यानी शुद्ध प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं रहती है, और जहाँ अपेक्षा नहीं है फिर वहाँ आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ हुआ या ना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपकी मर्जी के मुताबिक उसने कुछ किया तो भी आपका प्रेम उतना ही रहेगा, उसने नहीं किया तो भी आपका प्रेम उतना ही रहेगा। आपका प्रेम न कभी बढ़ जाता है न कभी कम हो जाता है जी। प्रेम हमेशा शरीर का ही रहता है जी। बढ़ जाता है कम हो जाता है, वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, उसे आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। जो प्रेम घट जाता है या बढ़ जाता है? हाँ कुछ अच्छा करके आए तो एकदम बढ़ जाता है, उछल अंदर जो उछाल उछलता है ना जी, उछालना आता है ना उछाल जी, ओ मोह है जी। और प्रेम ऐसा नहीं है, एक सारी खा रहता है जी। वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करके आया हो लेकिन प्रेम उस वैसा का वैसा रहता है। और दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिसके प्रति हमें प्रेम रहता है जी, उसकी कभी गलतियां नहीं दिखती हैं, कोई गलती नहीं दिखती है जी। आपको अपने बच्चों के प्रति कितना भी क्यों ना प्रेम हो, कहते हो आप प्रेम है, लेकिन गलतियां दिखती हैं या नहीं दिखती है? कभी कभी दिखती है, दिखती तो है गलतियां। हाँ पत्नी पर कितना भी मोह रहा लेकिन पत्नी पर गलतियाँ दी, पत्नी की गलतियाँ दिखती है ना? गलतियाँ दिखती है और मोह है ऐसा भी लगता है पत्नी पर। हाँ अगर प्रेम रहा ना तो गलतियाँ नहीं दिखेगी और प्रेम रहेगा। अच्छा समझ में आया ना जी। और कुछ अपेक्षा नहीं है, सच्चा प्रेम उसे कहते हैं जी। तो ये सच्चे प्रेम से जाओ, बच्चे और सुंदर प्रोग्रेस करेंगे, उनकी बहुत अच्छी साइकोलॉजी डेवलप होगी। ये तो मोह से क्या होता है कि बच्चों को एक प्रकार की मन में साइकोलॉजी बैठ जाती है कि हमारे पापा को या हमारे मामा को हमारे प्रति, वो तो प्यार समझते हैं, हमारे प्रति इतना प्यार है, हमारे से इतने अटैच हैं,
हम कितना भी गलत करें लेकिन कर करके क्या करेंगे, थोड़ा डांट दपट के फिर तो हमको इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे ना जी। इसलिए वो बिगड़ने से वो झकते नहीं है, बिगड़ते जाते हैं। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जी। कि वो उसका मिसयूज नहीं कोई कर सकता है। वो कैसे? प्रेम में उसको ऐसा नहीं कभी लगेगा कि ये मेरे से अटैच है, मूर्छित है मेरे मुंह में, ऐसा नहीं लगेगा। मूर्छितपना नहीं देखेगा प्रेम में जी, न्यूट्रल लगेगा जी, वितरागता लगेगी। समझ में आया ना जी? और उसमें राग लगेगा जी, अटैचमेंट लगेगा। तो ये प्रेम का दाब बहुत भारी रहता है जी। और मुंह से आप कितना भी डांटो तो इतनी असर नहीं होती है जी। और प्रेम से एक लफ्ज़ भी ना बोले जी। और सिर्फ आप मौन होके देखते ही रहो तो उसका ताप बहुत भारी लगता है उनको। आपको कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। हमको तो 100 है। अच्छा। ऋषभ देव भगवान जैसे, धृतराष्ट्र जैसे नहीं बोलते क्योंकि बच्चों को बुरा लगेगा। 100 यानी सब पूरी लाइफ डेडिकेट करके आते हैं लड़के जी। और लड़कियां तो अलग है, लड़के लोग आते हैं, सब यहाँ रहते हैं जी। लेकिन हम उनको डांटते नहीं हैं, नहीं। कुछ कहते भी नहीं हैं जी। सिर्फ हमारा प्रेम का ही ताप रहता है, उनको प्रेम से ही बंधे हुए रहते हैं जी। हम प्रेम का बंधन ऐसा रहता है, अगर हम भारत में नहीं लेकिन अमेरिका में भी रहते हैं 4 महीने कभी जी, तो भी यहाँ उनको हमारे प्रेम के ताप का डर रहता है जी। कुछ भी गलत काम करने से उनको डर लगता है कि निरुमा अगर कुछ पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे उनको। गलत तो नहीं बोल सकते, गलत बोलेंगे तो अगर हम पकड़ाए गए तो क्या हाल होगा, और उनकी नज़र से हम गलत काम में से बच तो नहीं सकेंगे। माता जी, प्रेम में ताप कैसे हो सकता है? बहुत ताप, प्रेम का बंधन ही बहुत बड़ा है। क्रोध का ताप नहीं है, क्रोध नहीं करता है उसका बहुत बड़ा ताप होता है जी। मोह का ताप नहीं है, मोह का बंधन पक्का बंधन नहीं है, प्रेम का बंधन पक्का है। वो सामने वाला वो बंधन से बंधा जाता है, वो छोड़ता नहीं है। यहाँ तो मोह वाला ही छोड़ता नहीं है, सामने वाला तो कटाल के छोड़ देता है जी। और प्रेम वाला तो सामने वाला पकड़ के रखता है, उस प्रेम में इतना उसको मजा आती है, वही प्रेम उसको बंधन में रखता है। समझ में आया ना जी? दोनों का बहुत डिफरेंस है। जय सच्चिदानंद निर्मल। बोल बेटा। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता बिल्कुल सही है, वो जहाँ बोलना है वो बोलते, जहाँ कुछ गलती हो के आई है तो बिल्कुल मुझे डांटते भी है कि ये तूने गलत की, ये इधर गलती हो गई है। फिर मैं खुद बैठ के देखता हूँ कि ये कहाँ मेरी गलती हुई, क्या हुई, और उसे रिपीट कैसे ना किया जाए, वो फुल मैं देखता हूँ उसके बाद। पर जहाँ उन्हें डांटना है वो डांटते, और जहाँ प्रेम से जो बोलना है वो बोलते भी है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जो भी है सही कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा। पापा का अच्छा सही करते हैं कि मामा का सही करती है? दोनों सही करते हैं। कभी मतलब पापा का थोड़ा डिप्लोमेसी तो नहीं रख रहे ना दोनों? नहीं, को अच्छा नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं। पहले पहले मुझे लगता था कि कभी मेरे भाई को ज़्यादा अटेंशन देते थे, पर अभी बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। हर दो भाइयों में ऐसा होता है कि दो बहनों में या भाई बहन में घर में दो इशू रहे ना तो दोनों को अंदर अंदर ये रहता है कि मुझे कम अटेंशन मिलता है, और ज़्यादातर बड़े भाई को ये ज़्यादा लगता है क्योंकि छोटा जितना रहता है ना उसका अटेंशन माता पिता को ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि वह छोटा है। बड़े ने तो अटेंशन सारा पा लिया होता है पहले ही, अभी उसकी बारी आई ना तो वो सह नहीं पाता है।
नहीं, पहले पहले लगता था, फिर मैं खुद भी, अगर मैंने बाद में देखा, खुद बैठ के थोड़ा सोचा, तो मुझे बाद में लगा कि नहीं, मेरे उम्र में जब मुझे उन्हें देना चाहिए था जितना अटेंशन, उन्हें फुल उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे किए है। अभी अभी जो मेरे छोटे भाई है उनको देखना है, तो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी ऐसा होता है, पहले थोड़ा लगता था, पर अच्छी अभी नहीं। अच्छी समझदारी से काम लिया गया है। माता जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न है वो सिर्फ बच्चों के तरफ नहीं, बल्कि हमारे श्रीमती जी जो है उनके प्रति प्रेम है या मोह है, वो अभी तक उसके बारे में भी कन्फ्यूज़न रहता है, और गलतियाँ थोड़ी बहुत दिखती है, पर फिर भी लेट गो काफ़ी होता है। ऐसे उसकी कुछ गलती हो उसको डांटूंगा, पर बाहर जो है कहीं पे उसको जो सपोर्ट चाहिए, ऐसे लगता है कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स बहुत दिखते हैं ऐसे, कि पूरे परिवार वालों के लिए प्रेम है या परोपकार है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है। तो वही बताएगी, आ गई आपकी पत्नी, हाँ वही हाँ, बताएगी कि उस पति के पति के सामने सामने से आपको क्या मिलता है, पति की ओर से प्रेम लगता है या मोह लगता है। मोह है मेरे लिए, और उनको जितना है उतना मुझे नहीं है, मतलब मुझे है, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, पर उनके जितना नहीं है, मतलब मैं उनके बगैर रह सकती हूँ काफ़ी टाइम तक, लेकिन वो मेरे बगैर नहीं इतना रह पाते हैं। तो लट्टू है आपका। हाँ, ये रहने ना रहने की बात में मोह आ जाता है। प्रेम में ऐसा नहीं लगता है कि पास में है या दूर है, जी। है ही नहीं, ऐसा नहीं लगता है जी। से तो और अच्छी रही या बुरी रही, जो अच्छाइयाँ देख के आपको अच्छा उसके प्रति प्रेम आता है जी। ऐसा नहीं है, बुरी रही तो भी उतना ही प्रेम, अच्छी करी रही वो भी तो भी उतना ही प्रेम। मेरी गलतियां जहाँ होती है वहाँ पर अभी तो नहीं, पर शुरू शुरू में मुझे कई बार ऐसे लगता है कि उन जिस दृष्टि से उन्होंने मुझे कभी डांटा भी हो, तो शुरू शुरू में बुरा लगता था, लेकिन आज मैं जब देखती हूँ तब मुझे बहुत सही लगता है कि बहुत सारी गलतियां जो स्त्रियां करती है उसमें से उन्होंने मुझे बहुत बचाया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ तो ज़्यादा करके स्त्रियाँ क्या करती है कि घर में पैसे आते हैं उसमें से थोड़े पैसे निकाल के बचा के रखती है, किसी को पता नहीं हो ऐसे। तो शुरू शुरू में शादी हुई तो मैं घर में छोटी होने की वजह से मुझे ज़्यादा कुछ ये सब पता नहीं था, घर कैसे चलाना और ये सब, तो मुझे सिखाया गया था कि ऐसे तुम पैसे अलग से रखना करके। तो मेरी पहले से यही आदत थी कि जो भी बात हो मैं उनसे बात करती थी, तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे मुझे बताया गया है कि पैसे अलग से रखना करके, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा मत करना, तुम जो भी करो मुझे पूछ के मुझे बता के ही करना। तो आज जब मैं देखती हूँ तो मैंने कभी भी इस तरह से पैसे छुपा के इकट्ठे नहीं किए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उतनी गलती में से तो बच गए। और ऐसी कई सारी बातें हैं जहाँ पर उन्होंने मुझे रोका है और तब शायद बुरा लगा होगा, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। अच्छी समझदारी। निरुमा, इसमें से एक दूसरा महत्व का प्रश्न उद्भव होता है कि अगर प्रेम और मोह का ये है, और समझ ले कि इसमें 80% शायद मोह मेरे केस में होता होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको प्रेम के अंदर, सच्चे प्रेम के अंदर कैसे रूपांतर किया जाए, या मुझे क्या करना चाहिए, या कैसे हैं अगर जो जो उसने बताया ना जी कि मेरे बगैर रह नहीं सकते जी, वो मोह की बात है जी। वहाँ स्टडी करो किस कहाँ किस तरह से यह मोह हमें फंसा रहा है और प्रेम की जगह ले ले रहा है, और उस मोह को हटाकर प्रेम की जगह ले लो। निरुमा, वो सोचने पे ऐसे पता चला कि वो एक इमोशनल डिपेंडेंस जैसे है, पर पता नहीं चल रहा है कि उस इमोशनल डिपेंडेंस को कैसे कम करना चाहिए या कम हो सकता है और प्रेम कायम रहे, ऐसा नहीं कि इमोशनल डिपेंडेंसी गुलाम बना देती है जी, इंसान को गुलाम बना देती है,
और प्रेम गुलाम नहीं बनाता है, प्रेम तो सामने वाले को गुलाम बनाता है, यहाँ तो हम खुद गुलाम बन जाते हैं जी। समझ में आया ना? और सामने वाला गुलाम बन जाता है, ऐसे नहीं बनता है, उसका रहस्य क्या है कि सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है। सामने वाले को आपके पास से कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसी वजह से आपका गुलाम बनता है। और मुँह में आपको तो अपेक्षा रहती है ना, इसलिए नहीं बनता है, ऊपर से आपकी अपेक्षा ही आपको गुलाम बनाती है जी। और इमोशनली आप डिपेंडेंट हो जाते हैं जी। समझ में आया ना जी? तो ये इमोशनल डिपेंडेंसी पर आप गौर करो, उसकी स्टडी करो, बहुत गहरी रहती है, बहुत डीप रहती है ये इमोशनल डिपेंडेंसी जी। ज़्यादा करके स्त्रियों में बहुत रहती है ये जी, पुरुष में कम रहता है। स्त्रियों में यह इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, पजेसिवनेस रहता है जी। और इसमें से फिर बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स आ जाती है जी। समझ में आया ना जी? निर्मा, अभी आपने बोला कि स्त्रियों में ज़्यादा रहती है, तो अगर एपरेंटली देखा जाए तो इनकी इमोशनल डिपेंडेंसी मेरे पे ज़्यादा है, तो क्या मेरी अगर मुझे दिख नहीं रही है पर मेरी क्या उनसे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है? आपको लगता है कि आपकी कम है, लेकिन उनकी ऊपर सुपरफ्लुअसली ज़्यादा लगती है, आपकी सुपरफ्लुअसली कम है ऐसा लगता है, लेकिन डीप डाउन में आपकी ज़्यादा होती है, मेरी ज़्यादा, उनकी कम रहती है। वो कैसे? वो समय आता है तब आपको पता चलता है कि जब डिपेंडेंसी आपकी टूट गई तो आपको क्या भुगतना आएगा, उस पर से आपको पता चलेगा, दोनों के भुगतने पर से ही पता चलता है। तो वो तो सपोज मतलब वो तो यूं है कि अगर सिचुएशन आएगी तो पता चलेगा, पर वो सिचुएशन इन शॉर्ट किसको ज़्यादा भुगतना आता है? अगर वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते फिरते दिखे तो आपको क्या असर होगी, और आप किसी दूसरे मर्द के साथ घूमती फिरती रहोगी तो उनको क्या असर होगी? तो एक्सट्रीम हम एग्जाम्पल बताते हैं एक दूसरे के मुँह के, इतना शायद ना या किसी के जीवन में, लेकिन ये एक्सट्रीम इस नहीं, उस समय क्या अंदर हमें होती है असर, उसका स्टडी करो। हाँ वो बात तो सही है, पर वो सपोज वो सिचुएशन आ भी जाए और फिर भी हम स्थिर रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्थिर रहने के लिए यही आप यही डिपेंडेंसी की स्टडी करते जाओ, बहुत डीप उसकी स्टडी करना पड़ता है। उसकी दिशा कुछ बताइए, यही देखते जाना कि कहाँ कहाँ हमें पजेसिवनेस आता है, उस पजेसिवनेस पे से ही पता चलता है। इसके अपने पति पर हर स्त्री को पजेसिवनेस रहता है, मेरा है, मेरा ही है नो डाउट, लेकिन यह जो बहुत डीप बिलीफ रहती है ना, यह बिलीफ उसको पजेसिवनेस में डालती है और फिर शंका में डाल देती है। बहुत गहरी पजेसिवनेस होने के बाद वो बहुत शंकित हो जाती है, साधारण भी किसी पुरुष के साथ बात करती है तो भी उसको शंका हो जाती है कि अरे क्या है, उसके साथ चालू हो गया कि क्या, और फिर बहुत गहरी सफरिंग शुरू हो जाती है। सपोज ये जो अभी आप बता रहे हैं वो सपोज नहीं हो ये लेयर, तो उसके डीप दूसरा कौन सा लेयर हो सकता है? अगर वो सिर्फ हम अकेले रहे तो हम सोचो कि हम खुद किस तरह से रह सकते हैं। एक्सक्यूज मी,
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई काम में प्री ऑक्यूपाइड हो, 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे या कोई काम हाथ में हो, तो वो जो अंदर आसक्ति है या मोह है वो होगी, पर वो दिखती नहीं है। वो तो आप उस समय दूसरे काम में आपका डाइवर्जन हो जाता है, वो है तो सही लेकिन आप डाइवर्ट हो जाते हैं, वहाँ पर है पर्दा गिर गया है लेकिन है, जैसा वो काम खत्म हो गया तो फिर वापस आ जाएंगे उधर के उधर ही। तो माता जी, जो शुद्ध प्रेम है, आपने कहा कि शुद्ध प्रेम में अपेक्षा नहीं होता है, तो ये जो अपेक्षा होती है ऐसे जो दिखता है, उस अपेक्षा को कैसे कम करें? क्या सिर्फ उस चीज़ को समझे? बहुत आसान है जी, सुबह से शाम तक 10 मिनट निकालिए और स्टडी को कीजिए जी, कि आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे कितनी कितनी अपेक्षाएं खड़ी हुई जी, कहाँ कहाँ हुई और कितनी पूरी हुई कितनी नहीं पूरी हुई, पूरी नहीं हुई तो उसका उसकी क्या असर मुझ पर हुई, और पूरी हुई तो भी उसकी क्या असर मुझ पर हुई, कैसी खुशी हुई उछल गए, और नहीं पूरी हुई तो कितना फ्रस्ट्रेशन आया हलचल मच गई। इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करो जी, और रोज़ एक एक अपेक्षा को कम करते जाओ, निश्चय करते जाओ कि ये अपेक्षा अब न को नो वे जी, जो आएगा सो बराबर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आए मिला तो ओके फाइन जी। तो हमें उसको सुबह से शाम तक की 10-1 मिनट या कुछ टाइम बैठ के उसको देखना है, या अपनी वीडियो रिवाइंड करके देख लियो जी, सारे दिन की वीडियो, और निश्चय करना है उसको देख के कि हाँ एक एक ही छोड़ो बहुत हो गया जी, बहुत बहुत मुक्तता लगेगी और यह राग द्वेष सब निकल जाएगा जी, क्योंकि राग में से मोह में से अपेक्षा होती है, अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो उसमें से द्वेष होता है जी, बीच में से अपेक्षा निकाले तो दोनों विदाउट एनी सपोर्ट रह जाते, तो दोनों निकल जाते हैं। अच्छा,